सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के समय में हथियार बनाने वाली कंपनियां दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और पावरफुल कंपनियां मानी जाती हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको 5 ऐसी ही वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में जानकारी देंगे जो डिफेंस की दुनिया में सबसे लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के रूप में जानी जाती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 5 पर है नॉर्थरॉप ग्रूमैन। ये एक अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो दुनिया में 5वीं लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जानी जाती है। नॉर्थरॉप ग्रूमैन कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स जैसे कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री वेसल्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और सिस्टम्स को प्रोड्यूस करती है। और ये कंपनी खास तौर पर B-2 स्प्रिट स्टील बॉम्बर एयरक्राफ्ट के लिए जानी जाती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में इस कंपनी का रेवेन्यू 25.803 बिलियन डॉलर, ऑपरेटिंग इनकम 3.299 बिलियन डॉलर और प्रॉफिट करीब 2.220 बिलियन डॉलर तक था। नंबर 4 पर है रेथियन। रेथियन अमेरिका की प्रमुख वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और ये दुनिया भर में गाइडेड मिसाइल्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में जानी जाती है। और इसके साथ ही ये कंपनी खास तौर पर पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए भी जानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में इस कंपनी का रेवेन्यू 24.069 बिलियन डॉलर, ऑपरेटिंग इनकम 3.240 बिलियन डॉलर और प्रॉफिट करीब 2.221 बिलियन डॉलर तक था। नंबर 3 पर है BAE सिस्टम। ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल डिफेंस, सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है और ये दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट डिफेंस कंपनी के रूप में जानी जाती है। BAE सिस्टम कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि सिविल एंड मिलिट्री एरोस्पेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल वेसल्स, म्यूनिशियंस और लैंड वॉरफेयर सिस्टम्स का उत्पादन करती है। और ये कंपनी यूरोफाइटर टाइफून और F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट के मेजर पार्ट्स के उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में इस कंपनी का रेवेन्यू 25.2 बिलियन डॉलर, ऑपरेटिंग इनकम 2.16 बिलियन डॉलर और प्रॉफिट करीब 1.31 बिलियन डॉलर तक था। नंबर 2 पर है बोइंग। बोइंग अमेरिका की मल्टीनेशनल डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस कंपनी में आती है। बोइंग खास तौर पर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट जैसे कि 747, 777 और 787 के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-18 सुपर हॉर्नेट EF और अपाचे AS-64 अटैक हेलीकॉप्टर्स के उत्पादन के लिए जानी जाती है। और बोइंग दुनिया भर में रिफ्यूलिंग और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स के मेजर सप्लायर के रूप में भी जानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में इस कंपनी का रेवेन्यू 24.571 बिलियन डॉलर, ऑपरेटिंग इनकम 5.834 बिलियन डॉलर और प्रॉफिट करीब 4.895 बिलियन डॉलर तक था। नंबर 1 पर है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन एक अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस डिफेंस, सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजीज कंपनी है और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में जानी जाती है। ये कंपनी कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स जैसे कि ATC सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, मिसाइल डिफेंस एलिमेंट्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, कॉम्बैट सिस्टम, मिलिट्री सपोर्ट एयरक्राफ्ट, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है। इस कंपनी ने कई सारे एडवांस एयरक्राफ्ट जैसे कि C-130 हरकुलिस, C-5 गैलेक्सी, F-16 फाइटिंग फैल्कन, F-22 रैप्टर और 5th जनरेशन के F-35 लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का उत्पादन किया है। और ये कंपनी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड जैसे कि PAC-3 और थार सिस्टम के मैन्युफैक्चरर के रूप में भी जानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में इस कंपनी का रेवेन्यू 47.25 बिलियन डॉलर, ऑपरेटिंग इनकम 5.55 बिलियन डॉलर और प्रॉफिट 5.30 बिलियन डॉलर तक था। और ये कंपनी दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।